आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। कई बार हम सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं तो सांस फूलने लगती है, या कई बार चेस्ट यानी छाती में दर्द होता है तो विक्स लगा लेते हैं और सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रदूषण में बाहर निकलते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होती होगी या खांसी आती होगी। इन सब का प्रभाव दरअसल पड़ता है हमारे लंग्स यानी फेफड़ों पर। ऐसे में क्या करना चाहिए? इग्नोर कर देना चाहिए या डॉक्टर को दिखाना चाहिए? हेलो डॉक्टर, मैं आज बात फेफड़ों से जुड़ी परेशानियों की। हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी हेल्थ से जुड़े हुए सवाल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से पूछते हैं और कुछ जानकारी कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आते हैं। नमस्कार, हेलो डॉक्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजुम शर्मा। आज बात करेंगे कि खांसी, जुकाम, निमोनिया और अभी के समय में कोरोना वायरस, ये सब बीमारियां कैसे हमारे फेफड़ों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। स्मोकिंग से लेकर प्रदूषण कैसे हमारे फेफड़ों के लिए नुकसानदायक है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हेलो डॉक्टर में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता। डॉक्टर नीरज गुप्ता वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में रेस्पिरेटरी मेडिसिन के प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नीरज गुप्ता हमारे हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में। सब लोग जानते हैं और सब बोलते हैं कि आप सिगरेट मत पीजिए, आपके लंग्स खराब हो जाएंगे, आप पॉल्यूशन में बाहर मत निकलिए, आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर भी चाहता हूँ कि आप बताएं हमारे लिसनर्स को कि आखिर लंग्स जो है काम कैसे करते हैं, ये फेफड़ा क्यों बॉडी में इतना जरूरी अंग है कि इसको ध्यान रखने के लिए खास ख्याल रखने की हिदायत दी जाती है। जी, इस बात से शुरू करते हैं कि फेफड़े, लंग्स या फुफ्फुसी जिसको भी कह रहे हैं आप, ये हमारे शरीर में दो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, और जिनका कनेक्शन होता है सांस की नलकियों द्वारा, जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं, और सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा होता है उसको ट्रेकिया कहते हैं। ये हमारे जो गले है इसमें इसका कनेक्शन रहता है, और उसके ऊपर एक ये कह लीजिए प्रोटेक्शन के लिए एक एपिग्लॉटिस और एक वोकल कॉर्ड रहती हैं, जो कि किसी भी प्रकार के चाहे वो डस्ट हो, फॉरेन बॉडीज हो, या किसी खाना हो जिसमें खाना खाते हैं, और वो उसको उसको रुकने के लिए सहायक होता है। वोकल कॉर्ड जो होती है वो हमारी आवाज़ या ध्वनि प्रोड्यूस करने के काम आती है, और जो सांस की जो नलकियाँ जिनको ट्रेकिया ब्रोंकियल ट्री कहते हैं, वो हमारे जो हवा है बाहर से एनवायरनमेंट से लेके और फेफड़े की कोशिकाओं तक पहुँचाती हैं। जो हमारी सांस की नलकियाँ हैं जिसको ट्रेकिया ब्रोंकियल ट्री कहते हैं, वो एक ट्री की भांति ब्रांचेस होती जाती है जिससे, और छोटे से छोटे ब्रांच होने के बाद उसके अंदर एक कोशिकाएं आती हैं, इसको एल्वोलाई कहते हैं, जो बुलबुलों की भांति होती है। ठीक। और वो उसका काम होता है हमारी जो हवा आती है उसके अंदर से ऑक्सीजन जो है उसको खींचे और शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको उसके द्वारा बाहर करे। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि फेफड़े का मेन जो काम है वो है ऑक्सीजन हमारे ब्लड तक पहुँचाना, और दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मेटाबॉलिज्म द्वारा प्रोड्यूस होती है शरीर में उसको बाहर निकालना। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी छोटे छोटे कार्य करता है, जिसमें कि चाहे वो डिटॉक्सिफिकेशन का हो, जैसे आप शराब पीते हैं तो उसमें से आप सांस की में शराब निकलती है, इसका मतलब है कि वो कुछ चीजें हवा के रास्ते बाहर टॉक्सिन को फेंकने का कार्य भी करता है। जी डॉक्टर, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जैसा आपने कहा कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना ये मुख्य कार्य है, और इसमें और भी आपने छोटे छोटे जो है उसके कार्य बताए। मेरा सवाल ये है कि जब कोविड की सिचुएशन राइज हुई थी और उस टाइम पे ये कहा जा रहा था और आज भी ये कहा जा रहा है कि आप अपने मुंह को ढक कर रखें, अपनी नाक को ढक कर रखें, क्योंकि सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो आप जो ऑक्सीजन अंदर लेंगे हवा के माध्यम से वो आपके फेफड़ों पर असर करेगा। मैं ही जानना चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। एक्चुअली मैं क्या है, जो हवा है, हवा एक मिक्सचर है गैसेस का, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारे जो पार्टिकल हैं, चाहे वो धूल के कण हो, चाहे वो ग्रीस के पार्टिकल्स हो, चाहे वो ऐश हो या एलर्जेंस हो, पोल्यूटेंट्स हो, वो सब जो है उसी रास्ते से सांस के द्वारा प्रवेश करके सांस की नलकियों तक पहुँचते हैं।
तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो फर्स्ट प्रोटेक्शन है वो नाक और सांस की नलकियों में होना चाहिए। नाक में जो रहते हैं छिद्र रहते हैं, उनके अंदर बाल रहते हैं जो मोटे मोटे पार्टिकल्स को छान लेने का काम करते हैं, किंतु बड़े बड़े पार्टिकल हवा के रास्ते अंदर चले जाते हैं। जो पार्टिकल का साइज है वो इस बात पर निर्भर करता है कि बड़ा है कि छोटा। अगर बड़ा है तो वो वापिस निकल आता है, छोटा जो पार्टिकल है वो बहुत दूर तक अंदर सांस की कोशिकाओं तक पहुंच सकता है। इसको हम 2.5 या 5 माइक्रोन तक का साइज कहते हैं। अब इसके अंदर गैसेस भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है, जैसे लोग गाड़ी के अंदर बंद हो जाते हैं या लोग अंगीठी जला के सो जाते हैं, रातों रात मर जाते हैं, वो गैसेस के द्वारा ही वो काम होता है, क्योंकि वो गैस भी सांस की नली के द्वारा ब्लड में पहुंच जाती है जी। अब बात आती है, संबंध आता है कि जो पार्टिकल रहता है वो एयर के पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं या बैक्टीरिया वायरसेस या छोटे कण हैं। अब उनके कणों के साइज के कारण वो अंदर जा पाते हैं। जैसे कि कोविड की आपने बात की, उसका जो पार्टिकल साइज है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, माइक्रोन में है, यानी कि वो सांस के द्वारा पकड़ा नहीं जाएगा इन फिल्टर से, और वो सीधा सांस की कोशिकाओं में पहुंच जाएगा जहाँ पे कि सेल्स रिसेप्टर के साथ में बाइंड करता है और फिर अंदर घुस करके अपने डबलिंग ट्रबलिंग करके और वायरस को इन्फेक्शन का इल्जाम देता है। तो इसको रोकने के लिए आपको बाहर से मास्क या कपड़ा या ऐसी चीज लगाने की जरूरत पड़ती है ताकि वो उसको वहीं पे रोका जा सके, क्योंकि हमारे शरीर में उस प्रकार का कोई फिल्टर नहीं है जो इतने छोटे कणों को रोक सकता है। ठीक है डॉक्टर नीरज, ये बताएं कि सामान्य बीमारियां फेफड़ों से संबंधित एक तो कौन कौन सी हैं और एक सामान्य लक्षण क्या होता है कि भैया ये बीमारी जो है ये फेफड़े से संबंधित है और हमको डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करा लेना चाहिए। इसमें जो जो मुख्य लक्षण है जो सीधे सीधे फेफड़े से संबंधित है वो है खांसी, सांस का फूलना, बलगम आना। ये तीन चीजें तो केवल सांस की नलियों द्वारा ही उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा जो है बुखार, जो किसी भी इंफेक्शन में हो सकता है, और बलगम, बलगम का कलर, अब बलगम का रंग जो है अगर पीला है या हरा हो रहा है इसका मतलब है वो बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है। अगर बलगम का रंग सफेद ग्रे रहता है तो इसका मतलब है म्यूकस ओवर प्रोडक्शन की वजह से रहता है, जो एलर्जी या इन्फ्लेमेशन यानी कि किसी चीज को सांस में एलर्जी हो, जो कि अक्सर दमा के पेशेंट की वजह से होती है, या जैसे COPD में जो इरिटेशन होती है धुएं से, उसमें बलगम जो है वो अक्सर ग्रे कलर का होता है। अब जैसे कुछ बीमारी है जिसमें जरूरी नहीं कि बलगम बने ड्राई कॉफ, जो कि स्पेशली कोविड की एक निशानी भी है कि वो उसमें ड्राई रहता है वो रास्ता। अब इनके अलावा छाती में दर्द हो सकता है, क्यों? क्योंकि जो इसकी फेफड़े की झिल्ली है उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इसकी इरिटेशन की वजह से छाती में दर्द हो सकता है, तो वो भी एक लक्षण है। अब लक्षण इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस तेजी से बना है। अगर वो बहुत जल्दी बुखार, खांसी, बलगम आता है, 2-3 दिन के अंदर आ जाता है, ठंड लग के बुखार आ जाता है, तो इसका मतलब है वो एक्यूट है और अक्सर बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। लेकिन अगर लक्षण जो है वो लंबे समय तक चलते रहे, जैसे कि हल्का बुखार 15 दिन तक चल रहा है, धूप में कमी आ गई, शरीर गिर रहा है, तो हो सकता है वो क्रॉनिक इन्फेक्शन हो, जैसा कि अक्सर TB में देखा जाता है जी। या किसी को बुखार ना हो और बहुत लंबे समय तक खांसी चलती रहे, या फिर खांसी में बलगम में खून आ जाए, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ सीरियस हो रहा है, जैसा कि कैंसर भी होता है। तो इस प्रकार के लक्षणों द्वारा ही जाना जा सकता है कि आपका शरीर का कौन सा अंग यानी कि फेफड़ा इन्वॉल्व है या नहीं है। यहाँ पर मैं एक कह सकते हैं कि जिज्ञासा है, ऐसे ही मैं पूछना चाहता हूँ और इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, और इसको आप लेटर नोट पे भी ले जा सकते हैं कि दिखाया जाता है कभी कई बार कि भाई आप बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं या फिर धुआं आपके अंदर जाता है तो आपका जो फेफड़ा है वो काला हो जाता है। कई बार फोटोज आप देखते हैं, आप दिखाते हैं कि लंदन का ये फेफड़ा है और ये भारत का फेफड़ा एक काला है और इसका रंग दूसरा, तो क्या वाकई में डॉक्टर ऐसे होता है कि आपका फेफड़ा काला पड़ जाता है? ये बिल्कुल सही बात है। जब डायरा होता है व्यक्ति, उसके जो फेफड़े होते हैं वो गुलाबी होते हैं, अंदर कार्बन डिपोजिशन नहीं होता है, और जो हमने देखा है एंथ्राकोटिक यानी कि जो व्यक्ति जैसे कोल या कोयले के धुएं के साथ में अक्सर काम करते हैं, जैसे पुरानी जो औरतें हैं जो चूल्हे पे या कोयले पे काम करती रही है, उनका जो धुआं उड़ता है उसमें जो स्मोक के अंदर जो कण होते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं, वो शरीर के अंदर जाते हैं और फेफड़े के नल के द्वारा अंदर तक जाने के बाद डिपोजिशन हो जाता है। इसको एंथ्राकोटिक पिगमेंटेशन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से वो जो फेफड़े हैं उनका रंग धीरे धीरे चेंज होकर डार्कर होता चला जाता है। वो समय के साथ कुछ सालों में वो फेफड़े का रंग वो गुलाबी ना रह करके, क्योंकि ये बात हम जैसे सर्जरी करते हैं फेफड़े की, उस समय ये बात साफ तौर से नजर आती है।
कि ये फेफड़ा काला है और ये फेफड़ा गुलाबी है। इससे भी पता लगता है कि आदमी का प्रोफेशन से भी संबंध हो सकता है। जैसे कि लोग कोयले की खान में काम करते हैं, उनमें बहुत जल्दी इस प्रकार की कालापन आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इसमें धुएं से बहुत दूर रहता है तो हो सकता है कि वो बहुत समय तक काला ना पड़े। लेकिन जो स्मोकर हैं उनमें क्योंकि कागज जलाते हैं, स्मोकिंग में जो कागज जलता है उसका जो कार्बन होता है वो इनहेल करने के कारण वो अंदर जाता है और समय के साथ धीरे धीरे वो डिपॉजिट होकर काला हो जाता है। क्या ऐसा भी है, क्योंकि मैंने एक मर्तबा पढ़ा था कि आपका फेफड़ा अगर 30% या 40% खराब हो गया है तो क्या वापस वो स्वस्थ अवस्था में आ सकता है? नहीं, देखिए फेफड़े का जहां तक है अगर वो परमानेंट डैमेज हो गया है तो वो हिस्सा तो वापस नहीं आता, किंतु फेफड़े में कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, हमारी लंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तब भी आज के जमाने में लोग एक फेफड़ा से भी जी पाते हैं, जैसे एक किडनी से जी पाते हैं ऐसे ही पॉसिबल है कि एक फेफड़ा, यानी कि टीबी की वजह से हो सकता है कि एक फेफड़ा बिल्कुल खत्म हो जाए किंतु दूसरा फेफड़ा सुरक्षित है और उसको बचाया जा सका है, तो वो आदमी अपनी जिंदगी पूरी जी पाता है। हाँ, उसकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी कि वो जिस प्रकार से नॉर्मल आदमी भाग दौड़ ज्यादा कर सकता है शायद वो उतनी भाग दौड़ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास लंग में इतना रिजर्व नहीं होगा। और जैसे जैसे स्मोकर में दो तरह की बीमारी होती है, एक उसको बोलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जिसका मतलब होता है कि सांस की नलकी में इंफ्लेमेशन और उस इंफ्लेमेशन की वजह से नलकियों में डैमेज हो जाना, और दूसरा कहते हैं इंफाइसीमा। इंफाइसीमा होता है कि जो सांस की कोशिकाएं होती हैं एल्वियोली जिसको बोलते हैं वो डैमेज होते हैं, उनमें टूट फूट की वजह से अब उनका साइज जो है वो बुलबुले की भांति बढ़ता चला जाता है, पर कोशिकाओं के कम होने की वजह से वहां पे हवा का जो एक्सचेंज होता है उसकी यूनिट खत्म होती चली जाती है। बात समझ रहे हैं ना कि अगर वो एक सेंटीमीटर में लेट से 1 मिलियन एल्वियोली थे, लेकिन अब वो टूट के वहां पे केवल 10-12 रह जाए और एक बड़े बड़े बुलबुले की शेप ले लें तो उसमें उतनी ऑक्सीजन अब एक्सचेंज नहीं हो सकती है, इसकी वजह से उनको सांस में तकलीफ होने लगती है, यानी कि वो एग्जर्शनल डिस्निया, चलने चलने पर सांस का फूलना, ज्यादा दूर लंबे समय तक नहीं चल पाना, धीरे धीरे उनकी ऑक्सीजन की कमी से ऑर्गन में डैमेज होगी, इसमें कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट पर जोर पड़ेगा, किडनी पे जोर पड़ेगा, तो पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, सूजन आनी शुरू हो जाएगी और समय के साथ धीरे धीरे उनकी ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाएगी, यानी कि सर्वाइव करने के लिए उनको अब ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जीना पड़ेगा और वो भी ज्यादा दिन नहीं जी सकते। इसके अलावा उसमें ऑक्सीजन की कमी से जो सांस की नलकियों के प्रभाव से जो या डैमेज के प्रभाव से जो खून की नाड़ियां हैं उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, इसको हम पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अब खून का दौरा भी हार्ट की तरफ जो लौट रहा है वो भी कम होता चला जाता है, तो इन सब प्रभाव के कारण शरीर में चीजें आनी शुरू हो जाती है। तो ये लोग ज्यादा लंबे समय तक सिर्फ नहीं जी पाएंगे, क्योंकि अब इनका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बैलेंस बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है क्योंकि फेफड़े में जो एक्सचेंज की जो क्या कहते हैं कैपेसिटी थी कम हो गई और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो इसको हम COPD बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज बोलते हैं, और अल्टीमेटली ये फेलियर में चले जाते हैं। तो इन व्यक्तियों को समझाने के लिए तो हम कहते हैं जो हमारे पास लोग आते हैं हम उनको दिखाते हैं, ये देख लीजिए ये आपका फ्यूचर है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर खींच के ला रहे हैं इसको फ्यूचर है, जो 2 मिनट भी आराम से नहीं बैठता है, हमेशा इसको पेंटिंग होती रहती है, सांस फूलती रहती है, जो अपने कपड़े तक नहीं चेंज कर सकता है, जो बेड बाउंड हो जाता है, तो लोगों पे डिपेंडेंट हो जाता है, इस प्रकार का आपका फ्यूचर रहता है। चलिए, ये तो हुई एक स्मोकिंग के माध्यम से लंग्स के डैमेज होने की बात। मैं यहाँ पर आप बार बार ब्रोंकाइटिस का जिक्र आ रहा है तो मैं यहाँ पर उसकी तरफ लौटता हूँ कि दिल्ली या फिर और महानगर जहाँ की हवा बहुत खराब सर्दियों में अक्सर हो जाया करती है और उसके अपने वायुमंडलीय कारण भी हैं और प्रदूषण तो है ही, उस दौरान कई लोगों को ब्रेथलेसनेस हो जाती है और जो बोलते हैं सांस की नली में सूजन आना और आप सीढ़ियां चढ़ते हैं नहीं चढ़ पाते हैं, और मेरे साथ खुद ये चीज हो चुकी है और मुझे बाकायदा उसके लिए दवाइयां मेरी शुरू हो गई थी। इस स्थिति में जब आप ना स्मोक करते हैं ना जो आप किस तरीके की कोई हानिकारक वस्तु लेते हैं, बावजूद इसके जब पैसिवली आपको ये सब चीजें होने लग जाएं तब उस स्थिति में डॉक्टर क्या किया जाए? देखिए, दो तरह के आपने एक होते हैं एक्टिव स्मोकर, एक होता है पैसिव स्मोकर। पैसिव स्मोकर का मतलब ये भी होता है कि जो सिगरेट पीने वालों के संपर्क में रहते हैं, जैसे कि वाइफ एक्सपोज हो जाती है, बच्चे एक्सपोज हो जाते हैं स्मोकर अपने हस्बैंड या पिता के कारण। दूसरा होता है कि जो वायु प्रदूषण से जो आपके असर पड़ता है, वायु प्रदूषण में कई सारी चीजें होती हैं,
के अंदर नॉट ओनली जो हवा में कण रहते हैं यानी कि पार्टिकल मैटर, उसके अलावा जो गैसेस होती हैं वो भी दोनों तरह से नुकसान कर सकती हैं। अब इनका सीधा सीधा असर फेफड़े में होता है। जो जो ये पार्टिकल मैटर होते हैं वो फेफड़े की नलकियों पे असर करते हैं, इरिटेट करते हैं, उसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा होती है जिसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, यानी सांस की नलकी में इंफ्लेमेशन आ जाता है। जैसे इंफ्लेमेशन कॉन्टिन्यूस रहेगा, लंबे समय तक चलेगा, तो सांस की नलकियों के अंदर जो लाइनिंग होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग होती है, वो धीरे धीरे मोटी होती चली जाती है, सांस की नलकियों में डैमेज होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी कि स्पैज्म यानी कि सिकुड़नशीलता जो होती है उसमें ज्यादा बढ़ जाती है, तो स्पैज्म की वजह से सांस का रास्ता नैरो होने लगता है, यानी कि इरिटेटिंग कफ होगा, ब्रोंकोस्पैज्म यानी कि सांस में नलकी में जो सिकुड़न आएगी उसकी वजह से आपको सांस की तकलीफ होगी, आपको खांसी हो सकती है और साथ में ब्रीदिंग साउंड आ सकती है। और जनरली धुआं सिर्फ केवल फेफड़े में नहीं, आंखों पे, नाक पे और शरीर के स्किन में सब जगह पे असर करता है। तो आपको हेडेक्स होते हैं, आपको आई इरिटेशन होती है, रेडनेस रहती है, स्किन में किले आ सकते हैं, ये सब पॉल्यूशन के कारण होता है। अगर आप उसके साथ में स्मोकिंग भी कर रहे हैं, जब दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था उस समय की मात्रा ऐसी थी कि एक आदमी एवरेज नॉन स्मोकर भी 11 सिगरेट के बराबर प्रदूषण ले रहा था। अच्छा। तो यानी कि उसको भी कंटिन्यूस अगर कहेगा, अगर उसको उस एनवायरमेंट से दूर नहीं रखा जाएगा तो अल्टीमेटली उसकी म्यूकस की लाइनिंग अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, कि ब्रोंकस की जो संरचना है उस पर असर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा और उसके शरीर में धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, वो परमानेंट हो जाएंगे, क्योंकि शरीर को रिपेयर के लिए जो समय चाहिए अगर उसको समय नहीं मिलेगा तो नेचुरली वो इफेक्ट जो होगा वो परमानेंट हो जाएगा, यानी कि सांस की नलकी में जो ब्रोंकाइटिस होगी अब वो एक्यूट से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगी। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब हुआ कि आप लंबे समय तक खांसते रहेंगे, लंबे समय तक बीमार रहेंगे और नेचुरली समय के साथ धीरे धीरे आपका फेफड़ा भी कमजोर होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल निमोनिया से जुड़ा मुझे लगता है करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कॉमन लंग डिजीज है एक तरीके से और हर आदमी को निमोनिया की बीमारी हो जाती है डॉक्टर। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इस बारे में हमें बताएं कि ये बार बार निमोनिया होने के कारण क्या होते हैं और क्या एक व्यक्ति को एक बार हो जाए तो क्या उसे बार बार होने का खतरा रहता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, निमोनिया कहते हैं जो लंग्स हैं उसकी जो संरचना है, एल्वियोलाई है, उनके इन्फेक्शन को निमोनिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि उसके इन्फेक्शन के कारण उसके अंदर जो कंसोलिडेशन होती है, यानी कि जो उसके अंदर पानी और फट का जमाव हो जाता है, उसको कंसोलिडेशन और निमोनिया की फॉर्म में देखा जाता है। इसके मुख्य कारण यही होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और या फिर दूसरे जो होते हैं बैक्टीरिया में भी दो तरह के बैक्टीरिया माने जाते हैं। एक वो जिनको एक्यूट कहते हैं, जैसे कि कॉमन निमोनिया वाले स्ट्रेप्टोकोकल होते हैं या स्टेफलोकोकल होते हैं या क्लेबसिला होता है, इस प्रकार के। और दूसरे वो होते हैं जो लंबे समय तक इन्फेक्शन करने के पश्चात असर करते हैं, जैसे कि टीबी हो गया या फंगल डिसऑर्डर हो गया। और कुछ होते हैं वायरल होते हैं, जैसे कि आजकल कोविड का निमोनिया चल रहा है। अब इन तीनों की जो पिक्चर है वो अलग अलग किस्म की होती है। जो निमोनिया है वो एक्यूट होता है, ठंड लग के तेज ठंड लग के बुखार होगा, खांसी होगी, खांसी में बलगम आएगा, छाती में दर्द होगा, बलगम यूजली लाल कलर का होगा या रस्ट कलर का होगा, उसके साथ पेशाब फूलना शुरू हो जाएगी और भूख चली जाएगी। ये सब बहुत तेजी से यानी कि 2-4 दिन के अंदर ही ये हो जाए। और ये नॉर्मली अगर हम इनका स्पूटम या बलगम की जांच कराएं तो वो कीटाणु नजर आ जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कहते हैं, वो नजर आ जाते हैं और उनका एंटीबायोटिक बहुत कारगर है और उसका तुरंत इलाज करने से वो बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है, मैं इलाज पर ही माफी चाहूंगा आपको बीच में रुक जाऊं, मैं इलाज पर ही आने वाला था डॉक्टर, कि कई बार घरेलू उपचार इसमें लोग बहुत ज्यादा करते हैं कि गर्म पानी से आप अपनी अपने चेस्ट को सेक रहे हैं या फिर अजवाइन की पोटली रख रहे हैं, मतलब तमाम तरह के भारत में उपचार हैं आप जानते ही हैं, क्या वो कारगर होते हैं और अगर होते हैं तो कितने लंबे समय तक उन्हें करना चाहिए और किस समय के बाद आपको ये तय कर लेना चाहिए कि अब हमें डॉक्टर को दिखाना है। इसमें बड़ी सी सिंपल सी बात है, किसी व्यक्ति को निमोनिया तभी होता है जब उसका रेजिस्टेंस किसी कारण से कम होता है, यानी कि ये एक होस्ट एंड पैरासाइट, होस्ट यानी कि शरीर, पैरासाइट यानी कि जो बाहर से बैक्टीरिया आया है, उनकी आपस की लड़ाई में जो हारता है वो ही मार खाता है।
अब इसमें अगर मेरा शरीर बहुत पोटेंट है, रेजिस्टेंस अच्छा है, तो मेरे को इन्फेक्शन अगर मिलता है तो हो सकता है छोटा मोटा इन्फेक्शन यानी कि हल्का सा बुखार, हल्का खांसी हो, एक दो दिन में ठीक हो जाए। अक्सर वायरल जो निमोनिया होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं, कुछ दिन के सिम्टम होते हैं, शरीर उनपे अल्टीमेटली अपना तो हमारे पास लड़ने की कई तरह से सिस्टम होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, कुछ एंटीबॉडीज होती हैं और कुछ इम्यून सिस्टम होता है, वो उनपे कारगर साबित होता है और वो उसको मार दे देता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बहुत मतलब समझिए कि विरुलेंट होते हैं, जो प्रभाव करते ही हैं। अब बच्चा अगर किसी कारण से कमजोर था, अगर उसको हल्का सा वायरल फीवर हुआ था, उसका रेजिस्टेंस और कमजोर हो गया था, तो हो सकता है कि उसके ऊपर बैक्टीरियल निमोनिया हो जाए, डबल निमोनिया को बोल देते हैं, यानी कि ब्रोंको निमोनिया हो जाए, सारे शरीर सारे उसके लंग में दोनों तरफ स्प्रेड कर जाए और उसकी हालत खराब कर दे। ऐसी स्थिति में अगर आपके सिम्टम दो तीन दिन चल जाते हैं, बलगम का रंग अगर चेंज होने लगता है यानी कि हरा होने लगता है, तेज बुखार बढ़ता जाता है, सिम्टम बढ़ते जाते हैं, सांस की तकलीफ अगर आपको लगने लगती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसकी सलाह लेनी चाहिए। उस समय देसी इलाज कोई कारगर नहीं होगा और जानलेवा भी हो सकती है बीमारी। जी बिल्कुल क्लियर मैसेज है, अगर आपको तेज बुखार है जो 48 घंटे से ऊपर है, जो और तेज हो रहा है, खांसी बढ़ती जा रही है, बलगम का रंग बदल रहा है, सांस की तकलीफ आपको अगर लगने लगी है, हल्की सी भी सांस फूलने लगी है, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं और इन देसी इलाजों को आप ना अप्लाई करें क्योंकि वो कारगर नहीं होंगे। ठीक है। और कई बार डॉक्टर ऐसा भी होता है कि आप ओवर द काउंटर ड्रग जाकर लेते हैं, आपको कोई बोल देता है कि आपको खांसी है तो आप फला सिरप ले लीजिए, या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ है आप विक्स डालिए, गर्म पानी से आप भाप लीजिए, आपको दो तीन दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो चीजें बार बार उभरती हैं। कितनी कारगर होती है ये सब चीजें? नहीं, ये कोई कारगर नहीं होती है। आप कोई भी दवा बिना डॉक्टर सलाह के मत लीजिए, क्योंकि इस भ्रम में ही बहुत सारे लोग हमारे पास बहुत सीरियस कंडीशन में आते हैं जिनको बचाना बहुत भारी होता है। जब हमारा ये बढ़ जाता है इन्फेक्शन, तो खून के द्वारा सारे शरीर में फैलता है जिसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं, और उसके पश्चात ऑक्सीजन की कमी रहने लगती है, ऑर्गन फेलियर नष्ट हो जाते हैं जिनको हम मल्टी ऑर्गन फेलियर में कहते हैं, और उसके बाद आपके धीरे धीरे होता किडनी डैमेज कर जाए, या आपका शरीर का कोई और सिस्टम डैमेज कर जाए, या ऑक्सीजन की कमी से आपके ब्रेन में कोई डैमेज कर जाए, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट बहुत सीरियस हो जाते हैं। तो कोई लाभ नहीं है कि आप जो है अपने आप इलाज करें, अपने सेम डॉक्टर ना बने, हमेशा चिकित्सा डॉक्टर से मिलकर के ही करें। अगर डॉक्टर आपको कहता है कि भाई आपके सिम्टम मुझे लगता है माइल्ड है, आप ये दवा ले लीजिए, तो कृपया उसकी सलाह जरूर माने, अपने आप इलाज ना करें, क्योंकि कोई भी बीमारी जानलेवा हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरज हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये था आज का हेलो डॉक्टर, जिसमें हम फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा, आप अपना फीडबैक हमें ईमेल जरूर करें। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। यदि आप भी डॉक्टर से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या किसी विषय पर आप चाहते हैं कि हम उस पर चर्चा करें, तो हमें वो लिखकर जरूर भेजें। हमारा ईमेल पता वही है radio@aajtak.com। अपना नाम और अपना पता लिखना ना भूलें। अगले मंगलवार फिर से हाजिर होंगे आपकी हेल्थ से जुड़े नए सवालों और उनके जवाबों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को दीजिए इजाजत और अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिए। नमस्कार। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, JioSaavn जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर यूट्यूब आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।